You've made it this far. आपने अभी तक का इतना ज़्यादा जर्नी हमारे साथ कवर किया और इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. Because all those who have made this far, वही लोग हमारे साथ इस कोर्स की एंड तक भी जाएंगे. और अभी तक आपने इतनी डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं, इतने डिफरेंट तरीके सीखे हैं. We just want to teach you one more thing, and that is on how to make money with WordPress by running a course. मैंने आपको बताया कि WordPress एक CMS है. It's a content management system. Content management system क्या होता है? Content management system is an opportunity, is a platform through which you can generate traffic, you can make users come to your website, and you can make money. अगर आपके पास कंटेंट होगा तो आपके पास लोग भी होंगे. अगर आपके पास लोग होंगे तो यू विल मेक मनी. एक कहावत है जो कि खास तौर पे इस इंटरनेट की दुनिया में मशहूर है, डोंट फॉलो द मनी. आप सोचते होंगे कि ये कैसी बात है भाई, हम पैसे कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए आए हैं, तो व्हाई शुड वी नॉट फॉलो द मनी. उसकी रीजन ये है, बिकॉज यू शुड फॉलो द यूजर्स. आप लोगों के पीछे भागें तो लोग आपके पीछे भागेंगे, और अगर लोग आपके पीछे भागें तो पैसा भी आपके पीछे आएगा. एंड दैट्स द अल्टीमेट ट्रिक ऑन हाउ यू मेक मनी. मैंने आपको इस कोर्स के डिफरेंट एरियाज में समझाने की कोशिश की कि मैन इज अ सोशल एनिमल. इंसान को लोगों से बात करने का शौक है, इंसान को लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का शौक है, और साथ ही साथ पीपल लाइक टू लर्न, लोगों को सीखने का भी शौक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पीपल लाइक टू लर्न, हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस को यूज करते हुए हम कैसे लोगों को चीजें सिखा सकते हैं और उनको चुपके से चीजें बेच भी सकते हैं जिसके लिए वो हमें पैसे देंगे. सो बिकॉज पीपल लाइक टू लर्न, देर आर पीपल लाइक योर सेल्फ हु वुड लाइक टू टीच. ऑनलाइन एजुकेशन इज अ बिग मार्केट. ये मार्केट तो इतनी बड़ी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कॉम्पिटिशन भी है. और इसमें कॉम्पिटिशन है इसीलिए हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस जैसे ईजी टूल के साथ अपनी ऑनलाइन वेबसाइट तो क्रिएट कर ही सकते हैं, बट साथ साथ यू कैन लॉन्च योर ओन कोर्स. क्यों इस पे ज़्यादा मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ? बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इज अ बिलियन डॉलर मार्केट. ऑनलाइन लर्निंग इज अ बिलियन डॉलर मार्केट. इतनी बड़ी मार्केट है. सो अगर इतनी बड़ी मार्केट आपके पास अवेलेबल है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न हाउ टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट. सो वट काइंड ऑफ कोर्सेज कैन यू सेल? आप भी सोचते होंगे कि कोर्स तो हम बना लेंगे, लेकिन किस तरह के कोर्सेज सेल करें और किसको सेल करें? सो एक तरह का कोर्स जो बहुत मशहूर है, दैट इज़ फॉर एक्सपर्ट्स एंड दे यूज इट टू मेक मनी ऑनलाइन. द कोर्स इज़ ऑन हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. सो काफ़ी एक्सपर्ट्स जो दूसरे लोगों को सिखाते हैं कि पैसे कैसे बनाते हैं, वो अपना कोर्स बेचते हैं, और उनकी ऑडियंसेज आर यंग पीपल हु वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. तो आप जब उस लेवल पे पहुंच जाए, वैन यू रेडी टू टीच अदर पीपल ऑन हाउ टू मेक मनी, यू कैन स्टार्ट योर ओन वेबसाइट जिस पे आप लोगों को सिखा सकते हैं कि लोग कैसे पैसे बना सकते हैं. उसके अलावा यू कैन टीच पीपल हाउ टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल. स्किल क्या है? स्किल लाइक वर्डप्रेस, स्किल लाइक कुकिंग, स्किल लाइक इवन इफ यू आर गुड एट क्रिकेट, आप इसकी वीडियोस बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं. एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं टू टीच पीपल एंड टू मेक मनी. स्किल किसी भी तरह की हो, कहीं से भी हो, अगर आपको स्किल आती है और अगर आप उस स्किल में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, तो यू कैन टीच पीपल हाउ टू मेक मनी. फिर फिटनेस भी है, योगा है, हेल्थ है. अगर आप ये स्किल लोगों को सिखा सकते हैं, यू कैन मेक मनी. एक और जो बड़ी ही यूनिक अपॉर्चुनिटी जिससे लोग पैसे बना रहे हैं ऑनलाइन, इज बाई टीचिंग पीपल कुरान. आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑनलाइन अवेलेबल है ऑफ पीपल हु टीच अदर पीपल कुरान, एंड उसके थ्रू वो ऑनलाइन उससे पैसे बना रहे हैं.
म्यूज़िक एंटरटेनमेंट आर सम ऑफ द अदर फील्ड्स एज वेल. तो आपके जहन में शायद एक और क्वेश्चन आए कि आपने बता तो दिया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, आप कुछ थोड़े प्रूवन वेज भी बताएं. तो मैं आपको 7 प्रूवन वेज इसके बताऊंगा. एक तरीका है कोर्स को सेल करने का कि आप अप फ्रंट चार्ज कर सकते हैं. सो आप अपने यूज़र को कहेंगे कि एक सर्टन फ़ी वो आपको पे करेगा, एंड सर्टन फ़ी पे करने के साथ ही आप उस कोर्स को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट से सेल कर सकते हैं. वो अप फ्रंट फ़ी क्या है ये आप डिसाइड करेंगे, और यूज़र से कितना चार्ज करना है ये भी आप ही डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग ऑन वट यू थिंक योर टारगेट ऑडियंस कैन एक्चुअली पे. सो अप फ्रंट फ़ी का एक फ़ायदा ये होता है कि अप फ्रंट फ़ी इज़ वेरी मच लाइक्ड बाई यूज़र्स, बिकॉज यूज़र्स के लिए ये आसान रहता है कि वो एक सर्टन फ़ी दे के आपको पे करें और उसके बाद अपने कॉन्टेंट को एक्सेस कर लें. दी अदर वे ऑफ डूइंग दिस इज़ बाई ऑफरिंग अ फ्री कोर्स एंड चार्जिंग देम फॉर सर्टिफिकेट. आप कहेंगे हैं मैं इतनी मेहनत से कोर्स बनाया मैं क्यों फ्री दूँ? भाई वो इसलिए ताकि आप उस कोर्स का सर्टिफिकेट लोगों को दें और उससे आप चार्ज कर सकें. सो दिस मॉडल वॉज सक्सेसफुली यूज बाई कोर्सेरा टू अर्न ओवर $1 million इन देयर फर्स्ट ईयर. अगर आप coursera.com को विजिट करते हैं, सो इट्स अ वेरी पॉपुलर कोर्सेज वेबसाइट, एंड इन्होंने अपनी स्टार्ट में $1 million अर्न किए थे बाई सेलिंग फ्री कोर्सेज एंड देन चार्जिंग फॉर सर्टिफिकेट्स. सो आप बड़े आराम से एक ईमेल लिस्ट जनरेट कर सकते हैं लोगों की विच कैन बी योर पोटेंशियल यूजर्स. सर्टिफिकेशन हैज़ प्रोफेशनल वैल्यू एंड दैट इज़ समथिंग पीपल आर रेडी टू पे फॉर. सो आप फ्री कोर्स रखें और एक सर्टिफिकेट देने के लिए अपने यूजर्स को चार्ज कर लें. अब आता है एक और मेथडोलॉजी जिसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन ये कि आप एक छोटी अमाउंट अपने यूज़र से चार्ज करें हर महीने. आप सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे पागल यूज़र्स हैं जो आपको पर मंथ पे करेंगे. तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इट इज़ अ वेरी वेल नोन मॉडल इन द वर्ल्ड, एंड देर आर पीपल हु वुड पे यू एवरी मंथ टू कीप एक्सेसिंग द सर्विस. इस पे मैं आपको एक साइट की एग्जांपल देता हूँ, यू कैन गो एंड सर्च इट. इट्स कॉल्ड गो हाइब्रो. गो हाइब्रो डॉट कॉम इज द साइट विच ऑफर्स स्मॉल कोर्सेज ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस. सो इसको भी जाके आप थोड़ा सा स्टडी करें, देखें. बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉडल फॉर एन ऑन गोइंग काइंड ऑफ एंगेजमेंट. उसके अलावा फोर्थ मेथडोलॉजी जो है वो है यूजिंग अ टीयर्ड पेमेंट सिस्टम. सो टीयर्ड पेमेंट सिस्टम क्या है कि आप अपने कुछ कोर्सेज फ्री रखेंगे और कुछ एडवांस कोर्सेज के लिए आप चार्ज करेंगे, या आप कुछ बेसिक लेवल कोर्सेज एक सर्टन अमाउंट जो कि कम अमाउंट होगी उस पर चार्ज करेंगे, एंड द एडवांस लेवल कोर्सेज यू विल चार्ज फॉर हायर वैल्यू. इसी के साथ हमारे पास एक फिफ्थ टाइप है विच इज़ टू प्री सेल योर कोर्स. प्री सेलिंग योर कोर्स का क्या मतलब है? प्री सेलिंग योर कोर्स अलाउज यू टू सेल योर कोर्स बिफोर यू हैव इवन बिल्ट द कोर्स. अगेन आप सोचेंगे ये कैसा तरीका है भाई कि जिसमें मैं कोर्स को पहले ही बेच दूंगा तो बनाऊंगा कब? आप उसको बनाएंगे बेचने के बाद, एंड दैट्स कॉल्ड प्री सेलिंग अ कोर्स. आप कोर्स को पहले बनाएंगे और बेचेंगे थ्रू एन ईमेल लिस्ट, एंड देन यू विल गो एंड एक्चुअली रन इट. इसके साथ ही हमारे पास एक सिक्स्थ ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड सेलिंग फॉर फ्री एंड देन फनलिंग इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस. तो जैसे आप यहाँ पे मेरी एक साइट है skillsfirst.org, उसको देख सकते हैं. उसका मैं आपको एक डेमो भी दूंगा जल्दी से, जिसमें हम एक फ्री कोर्स सेल करते हैं एंड देन वी कंपेल पीपल टू कम टू आर बूट कैंप्स एंड आर कोर्सेज एंड बाय देम. और साथ ही साथ द सेवन्थ वे इज टू सेलिंग योर कोर्स लाइसेंस. आप एक कोर्स बनाएं और उस कोर्स को आप किसी और को लाइसेंसिंग के तौर पे दे दें ताकि वो उसको यूज़ कर सकें. सो ये कुछ 7 तरीके थे. हम अब जल्दी से लाइव जाएंगे ताकि हम आपको दिखा सकें कि वो मेथड, खास तौर पे 6th मेथड जो मैंने आपको बताया है, वो मैं अपनी साइट skillsfirst.org जो मैं रन कर रहा हूँ उस पे मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ. सो वेलकम टू माई वेबसाइट विच इज़ skillsfirst.org. मैंने skillsfirst.org जो कि मेरा अपना प्रोजेक्ट है वो इसलिए बनाई थी ताकि आप जैसे यंग लोग नई स्किल सीख सकें, बिल्कुल जैसे आप DigiSkills प्रोग्राम में सीख रहे हैं. सो अगर आप skillsfirst.org पे जाएं, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट दिस वेबसाइट इज़ पावर्ड बाय वर्डप्रेस, और इसमें वर्डप्रेस का जो एक प्लगइन लर्न डैश है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस साइट को पावर करने के लिए.
यूजली तौर पे आई वुड सजेस्ट जस्ट टू प्लगइन्स इफ़ यू वांट टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट जिस पे कोर्सेज हों. एक का नाम है लर्न डैश और एक का नाम है लर्न प्रेस. दोनों ही बहुत ही पावरफुल प्लगइन्स हैं. तो इस साइट को देखते हैं और अगर मैं आपके सामने इस साइट पे लॉगिन करूं तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इस तरह की एक इतनी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे सामने एक लॉगिन की स्क्रीन है. जैसे ही मैंने लॉगिन किया नाउ यू आर सीइंग द फेमिलियर डैशबोर्ड विच यू नो यूजेस वर्डप्रेस. और यहाँ पे हमारे पास प्लगइन यूज़ हो रहा है जिसका नाम है लॉगिन प्रेस. और आप दोबारा इस साइट के होम पेज पे जा सकते हैं इसको देखने के लिए. हमारे पास एक बेतहाशा अमेजिंग वैरायटी ऑफ कोर्सेज. बट द लर्निंग फ्रॉम दिस इज दैट यू शुड बिल्ड योर ओन कोर्सेज एंड योर ओन कोर्स वेबसाइट. एंड लेट्स लर्न टू टीच एंड लेट्स टीच टू लर्न टुगेदर.